भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा श्री हनुमान जी का जन्म दिवस मान्य है। भगवान शिव ही हनुमान के रूप में अभिव्यक्त हुए। सनातन शास्त्र सम्मत यह सिद्धांत है। भगवान शिव का योग बल से वायु में सन्निवेश हुआ। वायुदेव ने केसरी की धर्मपत्नी अंजना को योग बल से उद्दीप्त किया और स्वयं को हनुमान के रूप में प्रकट किया। इस दृष्टि से वायुपुत्र भी हनुमान जी को माना जाता है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के या रामचरितमानस का वचन है, हरि और अहर में अभेद है। एक ही वेदांत वेद्य सच्चिदानंद दो रूपों में अभिव्यक्त है। इनमें संबंध भी सेवक स्वामी सखा का है। भगवान श्री रामभद्र श्रीवन्नारायण विष्णु के अवतार हैं। वे रामेश्वरम नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके स्वयं को भगवान शिव का सेवक सिद्ध करते हैं। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाहीं, निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह आदि वचनों के अनुसार हरिहर सख्य भाव से परस्पर सात्विक विनोद भी करते हैं। और हरि जब भगवान रामभद्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं तो हर उनका सेवक बनकर हनुमान के रूप में व्यक्त होते हैं। चिरंजीवों में हनुमान जी का नाम है। गंधमादन पर्वत पर कदली वन में वे निवास करते हैं। द्वापर और कल की संधि में उन्होंने अपने अनुज भीमसेन को दर्शन देकर यह तथ्य भी बताया था, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। इस वचन के अनुसार वे प्रकाश व्यूह या काय व्यूह की संरचना में समर्थ हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री रामभद्र का यशोगान होता है वहाँ वहाँ वे अदृष्ट गोचर होकर भी स्वयं को व्यक्त करके कथामृत का सेवन करते हैं। कीर्तन में भी आगे हैं और जो आतंकवादी अराजक तत्व असुर कोटि के व्यक्ति हैं उनके कीर्तन में भी वे निपुण हैं। हनुमान जी के जीवन में कीर्तन और कीर्तन का यथावसर जो प्रयोग है वह आजकल के
समय में अनुकरणीय है। वायु तत्व अपने आप में जीवन है, तो हनुमान जी वायुनंदन होने के कारण हम आपको जीवन प्रदान करते हैं। एक ध्यान देने योग्य बात है कि वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति और समाज की संरचना आवश्यक है, और हम वैदिक कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड का लंबन लेकर अपने जीवन में उत्कर्ष ख्यापित कर सकते हैं। हमारे भगवान समय समय पर मर्त्यलोक में भारतवर्ष में मर्यादा की रक्षा की भावना से अवतार लेते हैं। इस दृष्टि से पंचदेवों में जो भगवान शिव हैं वे हनुमान के रूप में अवतीर्ण हैं। जो सतवार पाठ कर कोई सप्त का पभ्रंश सात माने तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन सात बार पाठ सुमंगल है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार, बल और बुद्धि का तथा विद्या का जीवन में योग होना चाहिए। बल बुद्धि और विद्या की प्रतिष्ठा कहाँ है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में बल बुद्धि और विद्या का सन्निवेश है। अन्नमय और प्राणमय कोष को लेकर बल की विशेष रूप से अभिव्यक्ति होती है। मनोमय और विज्ञानमय कोष में बुद्धि और विद्या की प्रतिष्ठा मान्य है। आनंदमय कोष आनंद का अभिव्यंजक संस्थान है, आनंद स्वरूप आत्मा है। हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से मुक्त हैं। उनके ऐसे स्वरूप का ध्यान करके हम भी अपने जीवन में दिव्यता का आधान करें। राम काज करिवे को आतुर, वे भगवान श्री राम भद्र के कार्य का संपादन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार हमारा भी दायित्व है कि सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हम सतत जागरूकता और कटिबद्धता का परिचय दें। इस समय जो वातावरण में विकृति आई है, भगवान हनुमान से प्रार्थना है कि उनके अनुग्रह से वह विकृति शीघ्र ही दूर हो। शासन तंत्र और विविध प्रकार की योजना को बनाने और क्रियान्वित करने का जो विश्व स्तर पर तंत्र है, उससे अनुरोध है कि प्रकृति ने उस घाटी तक पहुंचा दिया है हमको कि अब हम वेदादि सनातन शास्त्र सम्मत विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर हर महादेव।